हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज के इस वीडियो में रुमाल का एक बहुत ही खूबसूरत गुलाब का डिज़ाइन बताने वाली हूँ। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, हम उसी डिज़ाइन को कार्बन की सहायता से रुमाल पर कॉपी कर चुके हैं और अब इसे फ्रेम की सहायता से टाइट कर लेंगे। इस तरीके से देखिए, ये पूरा टाइट हो चुका है। चलिए अब इसे पेंट करते हैं। तो ग्रीन पार्ट पहले बनाएंगे। ग्रीन पार्ट के लिए हम लिए हैं सैप ग्रीन। सबसे पहले सैप ग्रीन कलर से डंठल और पत्तियों को फिल कर देंगे। देखिए कितना आसान है इसे बनाना। ये जो ब्रश हम अभी यूज कर रहे हैं वो पेन ब्रश नंबर 4 है। फ्रेंड्स, यदि आप कोई भी पेंटिंग मटेरियल्स ऑनलाइन ख़रीदना चाहते हैं, यानी आपके यहाँ यदि नहीं मिलता है, मीडियम हो गया, पेंट हो गया या फिर ब्रश हो गया, तो यदि आपके यहाँ नहीं मिलता है अच्छे क्वालिटी का और आप चाहते हैं कि अच्छे क्वालिटी का हम ऑनलाइन ख़रीदें, तो आप हमारे दिए गए लिंक के द्वारा ख़रीद सकते हैं। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि आप इस लिंक के द्वारा कोई भी प्रोडक्ट मंगाएंगे तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। आप लोग ये मत समझिए कि ये मैं पैड प्रमोशन कर रही हूँ। मैं यहाँ पे किसी भी मटेरियल्स का ब्रांड नहीं बता रही हूँ कि किस ब्रांड का लेना है। तो आप जिस ब्रांड का ख़रीदना चाहते हैं ख़रीद सकते हैं इस लिंक के द्वारा। ये लिंक बस आप लोग के रिक्वेस्ट पे हम शेयर किए हैं। पहले हम भी सारा सामान मार्केट से ही लाते थे, दुकान पे जाते थे और वहाँ से ख़रीद कर लाते थे। लेकिन मुझे कोई बताया कि यहाँ से ख़रीदने पे सस्ता भी मिलता है और क्वालिटी भी अच्छी होती है। तो अब मैं सारे प्रोडक्ट यहीं से मंगाती हूँ और मुझे अच्छा लगा क्योंकि अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट आता है, इसलिए मैं लिंक आप लोग के साथ शेयर कर दी। तो चलिए पत्ता बनाने का तरीका आप लोग को बता देते हैं। सबसे पहले तो सैप ग्रीन कलर से पत्ते को फिल कर लेना है और उसके बाद रेड कलर से इस तरीके से कट बनाना है, यानी पत्ते के किनारे पे इस तरीके से हल्का कट बनाना है रेड कलर से। और उसके बाद रेड कलर को ग्रीन कलर में मिक्स कर देना है। तो देखिए कितना प्यारा सा बिल्कुल नेचुरल लीफ बना है ना, बहुत ही प्यारा सा लीफ बना है, ये बिल्कुल नेचुरल लग रहा है। फ्रेंड्स, यदि पेंटिंग करते समय आपके मन में कोई भी प्रश्न आता है या फिर आपको कोई भी परेशानी होती है, कोई भी दिक्कत होती है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए। आपके हर कमेंट का रिप्लाई अवश्य मिलेगा। यदि आपके किसी कमेंट का रिप्लाई हम नहीं दे पाए होंगे तो उसके लिए सॉरी। आप उसी प्रश्न को मेरे किसी नए वीडियो में कमेंट करके पूछिए, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो इस तरीके से डंठल और लीफ को बना लेंगे। देखिए कितना नेचुरल दिख रहा है। चलिए इसमें थ्रोन भी बना लेते हैं। थ्रोन बनाने के लिए कोई पतला ब्रश ही यूज कीजिए। मेरा वही ब्रश है, पेन ब्रश नंबर 4। और थोड़ा सा ग्रीन कलर और थोड़ा सा रेड कलर ब्रश में लेंगे और फिर इस तरीके से थ्रोन बना लेंगे। देखिए बिल्कुल परफेक्ट कांटा बना है ना। चलिए अब फ्लावर को बनाते हैं। फ्लावर के लिए हम लिए हैं रेड कलर। मेरा रेड कलर जो है वो क्रिम्सन रेड 04 है और ये ब्लू कलर लिए हैं, स्काई ब्लू कलर है ये। तो इन दो कलर्स की सहायता से हम पूरे फ्लावर को बनाएंगे। हाँ, थोड़ा सा वाइट कलर भी ऐड करना है इसमें। सबसे पहले पीटल्स में रेड कलर फिल कर देंगे और यहाँ पे हम थोड़ा सा वाइट कलर ऐड कर रहे हैं पीटल्स को थोड़ा मुड़ा हुआ दिखाने के लिए, मतलब ऐसा लगे कि पीटल्स जो है वो मुड़ा हुआ है। तो उसके लिए हम वाइट कलर नीचे की तरफ ऐड कर रहे हैं और फिर उसे मिक्स कर देंगे। वीडियो को पूरा देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।
तो ये है मेरे इस डिज़ाइन का फाइनल लुक। देखिए कितना प्यारा दिख रहा है। आप अपने रुमाल पे इस डिज़ाइन को बनाकर एक प्यारा सा लुक दे सकते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक आप हमारे वीडियोज़ को देखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।